हेलो एवरीवन, आज इस ग्रामर वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर इन यूज़ मतलब उसका थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे। तो जो राइटिंग और स्पीकिंग में आपको बहुत काम आएगा, तो इसे सेंटेंस में हमें एरर फाइंड करनी है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। री राइट ईच सेंटेंस करेक्टली। हर सेंटेंस के लिए मैं आपको 3-4 सेकंड सोचने के लिए दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद हम आंसर डिस्क्लोज करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज हाउ मैनी कजिन्स यू हैव। ओके, सो करेक्ट आंसर है हाउ मैनी कजिन्स डू यू हैव। तो इसमें डू मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस दिस न्यूज आर नॉट ट्रू। ओके, सो करेक्ट आंसर है दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। तो न्यूज सिंगुलर में हम यूज करते हैं, तो आर के बदले इस किया, और टी एच ई एस जो प्लूरल है उसे भी टी एच आई एस दिस सिंगुलर के लिए यूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक होती है लोगों की, वेयर इट इज। तो आप उसका बताओ सोच के। द सेकंड इज द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज वेयर इज इट। हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, वेयर इज इट, वेयर इट इज नहीं, वो रॉन्ग है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन What the problem is this time? Question mark. I lost my luggage during the journey. Okay, the correct answer is what is the problem this time? What the problem is nahi. What is the problem this time? I lost my luggage. देखो लगेज इस प्लूरल दिया था, वो ऑलवेज सिंगुलर ही आता है। आई लॉस्ट माई लगेज ड्यूरिंग द जर्नी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बॉट सम न्यू फर्नीचर्स, हुज मिस्टेक इट इज देन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज वी हैव बॉट सम न्यू फर्नीचर। फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर में यूज करना है, भले ज्यादा आर्टिकल्स आपने परचेस किए हुए। हुज मिस्टेक इज इट देन, इट इज देन नहीं, हुज मिस्टेक इज इट देन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स आर एन इंटरेस्ट पैक्ड सब्जेक्ट, हु डज यूजुअली इट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फिजिक्स इज, देखो भले फिजिक्स में पीछे एस लगाए, वो एक सिंगल सब्जेक्ट ही है, तो सिंगल वर्ब फॉलो करना पड़ेगा सिंगुलर, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इज। हु डज यूजुअली इट, हु डज इट यूजुअली, तो ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस द सीनरीज ऑफ जयपुर आर चार्मिंग, आई विजिटेड गोवा ड्यूरिंग द वैकेशंस। ओके, सो द करेक्ट आंसर्स आर द सीनरी ऑफ जयपुर। देखो कितने भी सीन देखो, सीनरीज नहीं, प्लूरल नहीं, सीनरी सिंगुलर ही है। द सीनरी ऑफ जयपुर इज चार्मिंग। आई विजिटेड गोवा ड्यूरिंग द वैकेशन, वैकेशंस ऐसा प्लूरल नहीं हो सकता, वैकेशन। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please don't forget to subscribe the channel and keep practicing of such sentences so you can do better writing or speaking. Thank you so much. Bye-bye.